हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। देखिए फ्रेंड्स, वैसे आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि नारियल तेल में बस एक चीज मिलाने से हमारे जो है चेहरे की झाइयां, झुर्रियां, जो पिगमेंटेशन है, मिलाजमा है, डार्क स्पॉट्स है, जो बेबी बर्थ होने पर होता है, जैसे काफी लोगों को पहले हो जाता है, काफी लोगों को बाद में होता है, काफी लोगों को जो है अपनी विटामिन्स की कमी से, मिनरल्स की कमी की वजह से भी जो है हमारे चेहरे पे डार्क स्पॉट्स और जो है झाइयां आनी शुरू हो जाती है। और भी बहुत सारी ऐसे जो होती है कि थायराइड की वजह से, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन की वजह से भी जो हमारे चेहरे पे झाइयां झुर्रियां आ जाती है, साथ के साथ हमारे स्किन पे से ग्लो बिल्कुल निकल जाता है। जैसे अब विंटर्स आ रहा है, अब काफी लोग इतने परेशान हो चुके, क्योंकि अभी मैंने कुछ रिसेंटली, अभी मैंने 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी नारियल तेल में मिलाने के लिए, तो वो जो है काफी लोगों ने पूछा कि मैम जैसे हमारी ऑयली स्किन है तो हम लोग यूज कर सकते हैं? जी हाँ, परफेक्ट, आप लोग बिल्कुल यूज कर सकते हैं और आपकी जो स्किन है बहुत ज्यादा ग्लोइंग करेगी, टाइट होना शुरू हो जाएगी। पर याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया, स्किन को जो है सर्कुलेशन मोशन में जो है इसको जो अच्छे से मसाज करना है, 15 से 20 मिनट को मसाज करने के बाद, वो भी हल्के हाथों से, ऐसा नहीं कि आपको दबाव देना है भारी, क्योंकि काफी लोगों को जो होता है फिर बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। तो मैं क्या करती हूँ कि हल्के हाथों से करना है, उसे अच्छे से ये ऑब्जर्व हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 4 से 5 घंटे तक कोई भी सॉप पानी यूज नहीं करना है। अगर आपके पास कोई टिश्यू पेपर है या वाइप्स है तो आप उससे उसको अच्छे से, जो अगर स्मेल लग रही है, अगर आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, कुछ अर्जन सी लग रही है, तो आप उसे हल्का सा जो है साफ कर सकते हैं। बट साबुन बिल्कुल यूज मत करिए 4 से 5 घंटे के लिए। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे मैं जो आज बताने वाली हूँ, ये बहुत सारे चेहरे पे किसी की वजह से भी, कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई निशान है, दाग है, धब्बा है, वो अगर बहुत ज्यादा, जो नाक पे भी काफी लोगों के जो मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा छाइयां सी पड़ जाती, निशान पड़ जाता है, जो हमारे जो है सूर्य की किरणों की वजह से या धूप में टैनिंग की वजह से भी हो जाता है। पर क्या कीजिएगा आप लोग, क्या कीजिएगा, इसे ट्राई कीजिए। देखिए हफ्ते में सिर्फ 3 बार ट्राई करेंगे ना, तब आप लोगों को बेटर रिजल्ट मिलने वाला है। आप यकीन मानिएगा, ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है और रिजल्ट आपके सामने होगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं आज जो बताने वाली, बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप जो है कुछ ही मिनटों में अपने जो है चेहरे की रंगत को भी अच्छा करेंगे, गोरा भी करेंगे साथ की। मेरा जो स्किन है बहुत ज्यादा गोरा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा फेयर कलर की, नहीं, नॉर्मल सी स्किन है। बट घर की जो चीजें से करने से क्या होता है कि हमारी स्किन में ग्लो भी आता है, टाइटनिंग भी आती है, साथ के साथ हमारा रंग जो है और ज्यादा फेयर होना शुरू हो जाता है। काफी सारी प्रॉब्लम आती है, काफी लोग जो काफी फेस करते हैं, काफी टेंशनों की वजह से उनका चेहरे का रंग उड़ जाता है। जो आज मैं बताने वाली हूँ, ये घर पे ही सारी चीजें आप लोगों को अवेलेबल होगी, और क्या होगा कि आपकी स्किन पे कहीं पर भी, पूरी बॉडी पे जो आप इसे ट्राई कर सकते, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ चेहरे के लिए, ये फुल बॉडी के लिए भी। आपकी स्किन व्हाइटनिंग हो जाएगी, टाइटनिंग हो जाएगी, स्किन ग्लो करेगी। बहुत सारी, जैसे विंटर्स आता है, विंटर्स में जैसे आपने देखा होगा कि इस तरीके से करते हैं तो व्हाइट निशान हो जाता है, तो ये ऑयली के लिए, ड्राई के लिए, सभी के लिए बेटर रहेगा। तो आपने क्या किया, बस उसको जो है सर्कुलेशन मोशन में इसको अच्छे से मसाज कीजिएगा और रिजल्ट आपके सामने। तो उम्मीद करती हूं फ्रेंड्स आप लोगों को आज की जो रेमेडी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ जाए, किसी भी एंगल पे पसंद आ जाए, तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, फ्रेंड के साथ और अपने भाई बहनों के साथ, जिनको भी ये प्रॉब्लम है। हो सकता है किसी ना किसी एक को भी हेल्प मिल जाए, तो मैं ये मानूंगी कि चलो ये मेरी रेमेडी जो है बहुत ज्यादा कारगर साबित हो चुकी। तो चलिए फ्रेंड, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। देखिए आज जो मैं आप लोगों से जो शेयर करने वाली हूँ, कैसे हम जो अपने कितनी ही पुरानी हो, चाहे आपकी चाहे 20 दिन की हो या 7 साल पुरानी झाइयां हो या 17 साल पुरानी झाइयां, उन सभी को जो है हम लोग दूर करेंगे, वो भी पिगमेंटेशन हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, काफी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से भी आप लोगों के जो है काले दाग धब्बे हो चुके, उन सबको रिमूव करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर ना करते हो। देखिए सबसे पहले एक मैंने जो है स्टील की बाउल ली, आप तो वैसे एक प्लास्टिक का किसी भी चीज का ले सकते हैं, बट इसको स्टोर करके भी आप लोग जो कई महीनों तक के लिए रख सकते हैं। तो इसके अंदर जो मैं आज लेने वाली हूँ नारियल तेल, मैं नारियल तेल को मस्ट हमेशा रखती हूँ। नारियल तेल से जो है मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। नारियल तेल को जो मैं विंटर्स में क्रीम की जगह नारियल तेल को ही बॉडी पे लगाती थी, जिससे कि मेरी स्किन पे जो कोई रूखापन नहीं आया, अगर कोई छोटे मोटे दाग धब्बे होते थे वो भी सारे रिमूव हो जाते थे। तो मैं यहाँ जो है लेने वाली हूँ नारियल तेल, मैं दिखा देती हूँ। वैसे तो मैं वैसे और भी बहुत सारे अच्छे नारियल तेल आते, बट एक्चुअली मेरे पास पैराशूट का नारियल तेल है, जो मैं कोई 15-20 सालों से इसको ट्राई कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैं जो क्वांटिटी बता रही हूँ सिर्फ एक फेस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अभी आप इसे जो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसको जो है लंबे समय तक के लिए स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि आपके बाल जो है लंबे, आपका जो चेहरे है आपका जो है सुंदर होना शुरू हो जाएगा, आपके जो चेहरे पे जितने भी बाल है वो सब जो है वो भी हटना शुरू हो जाएंगे। जैसे काफी लोग जो अनचाहे बालों को हटाने की कोशिश करते, वो भी आपके रिमूव होना शुरू हो जाएगा और आपके चेहरे पे जो है बहुत ज्यादा रंगत आ जाएगी, स्किन आपकी गोरी होनी शुरू हो जाएगी।
तो देखिए मैंने यहाँ जो सबसे पहले नारियल तेल लिया, यहाँ मैं दो चीजें लेने वाली हूँ, तो मैं दोनों का ही मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। मैं इस तरीके का एक खीरा और एक आलू लेने वाली हूँ, आप देख सकते हैं इन दोनों को हमें लेना है, इनका एक्चुअली रस हमें लेना होगा। तो चलिए मैं इसको जो अच्छे से पेल कर देती हूँ, तब हम इसका जो है रस लेंगे। तो चलिए मैं इसको पेल कर देती हूँ। ऑलरेडी मैंने पहले से पेल नहीं करके रखा था, सोचा था उसी टाइम पे आप लोगों के सामने ही रिजल्ट आपके सामने दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पर जो है आलू का रस लेंगे, हमें थोड़ा सा लेना होगा, जो दो से चार बूंदे। तो मैं देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से लेना होगा। तो सोचा लाइव ही आप लोगों के साथ शेयर करूं, काफी लोग जो पहले से बना देते हैं, और आलू ऐसी चीज होती है जैसे ही हम उसे बनाते हैं तो वो काला होना शुरू हो जाता है इसका रस। हमें थोड़ा सा ही लेना होगा और इसकी जो कुछ ही बूंदे हमें इसके अंदर लेनी होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो आलू भी ले लिया है और साथ के साथ मैं खीरा भी क्रश कर दूंगी। इन दोनों का रस जो हमें दोनों को मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया है। अब मैं नारियल तेल के अंदर इन दोनों के रस को जो है आपस में मिक्स कर लूंगी। तो मैं एक बार दिखाना चाहूंगी मैं आपको एक बार इस तरीके से, जैसे मैंने ये लिया है, इन दोनों को मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हम देखिए इसका जो है रस लेंगे इस तरीके से। ये बहुत ही अच्छा घरेलू रेमेडी है, आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। और आपको पता है कि जो आलू होता है इसके अंदर पोटेशियम होता है, काफी अच्छे ऐसे जो दाग धब्बों को दूर करने की इसके अंदर ऐसी एनर्जी होती है जो हमारी स्किन को ग्लो भी करता है, और स्किन को जो स्पेशली विंटर्स में, जैसे आपको पता है कि विंटर्स में हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। इन रस को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं। अब इनको अच्छे से हमें घोल लेना होगा। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी को जरूर ऐड करेंगे, बिल्कुल चुटकी भर हल्दी हमें इसके अंदर लेनी है। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने हल्दी ली है, थोड़ी सी लेनी है। इसे अच्छे से मिक्स करना है, अपने फिंगर से ही आप इसे मिक्स करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और देखिए ये अच्छे से मिक्स होने के बाद ही हम इसको जो है फेस पे अप्लाई करेंगे। और फेस पे अप्लाई करने का तरीका भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, सर्कुलेशन मोशन में करना है। जैसे आप लोगों मेरी काफी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जाके, वैसे मैं आई बटन पे दे दूंगी, वहां जाके भी आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं और ये रेमेडी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। कोई भी हमारा जो है हल्दी का कलर जो है हमारे चेहरे पे नहीं रहेगा। और आपको पता है ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीफंगल होता है, और जो होता है कि एंटीबायोटिक इसके अंदर जो काम करता है, हमारे जो है कितनी ही पुरानी से पुरानी झाइयां क्यों ना, उससे हमें जो निजात मिलाता है और जो है छुटकारा दे देता है। आप इसके अंदर जो थोड़ा सा कच्चा दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर एक चम्मच के बराबर जो है दूध भी ऐड करती हूँ। दूध आपको पता है उसके अंदर विटामिन ई होता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो मैं इसके अंदर जो है हल्का से इसमें जो एक चम्मच के बराबर जो है मैंने दूध भी ऐड कर दिया है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद हम इसको जो अपने चेहरे पे लगाएंगे। और इसे आप जो है तुरंत लगा लीजिएगा जैसे ही ये मिक्स होता है, और जैसे जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि इसे जो है हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई कीजिएगा, और उसके बाद आप जो इसको जो 1 से 1.5 महीना ट्राई करने के बाद देखिएगा रिजल्ट आपके आपके सामने होगा। कितनी पुरानी 10-15-20 साल पुरानी झाइयां वो सारी आपकी जो है रिमूव हो जाएगी। तो चलिए इसको जो है फेस पे लगा के दिखाते हैं और किस तरीके से लगाना है, तो चलिए ट्राई करते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं ये रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है, जिस तरीके से मैंने आप लोग साथ शेयर किया है, ये देख सकते हैं। बस अब इसे ट्राई करना है, चलिए मैं इसको फेस पे लगा के दिखाती हूँ। अब जैसे मैंने जिस तरीके से बताया, बस इसी तरीके से इसको जो आपको इस तरीके से लगा लेना, जहां भी आपके पिगमेंटेशन है, जहां भी आपकी झुर्रियां झाइयां हैं, इससे स्किन जो आपकी बहुत ज्यादा टाइटनिंग आ जाएगी। इस तरीके से इसे इस तरीके से 2 से 4 मिनट के लिए रहने दीजिएगा, उसके बाद इसको सर्कुलेशन मोशन में इसको जो आप अच्छे से मसाज कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से मसाज करना है, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, बस इसी तरीके से आपको बना के इसे लगा लीजिएगा। और 4 से 5 घंटे तक आप इसे इसमें ना कोई पानी यूज कर सकते, ना आप लोगों को इसपे जो है साबुन यूज करना है, कोई भी फेस वॉश, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद लगी होगी। तो प्लीज जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस तरीके से आपको इसको मसाज करना होगा, और इससे क्या होगा आपकी स्किन तो ग्लो करेगी करेगी, साथ के साथ आपकी स्किन जो व्हाइटनिंग हो जाएगी और टाइटनिंग भी होनी शुरू हो जाएगी, देख सकते हैं। और हल्के हाथों से करना, कोई प्रेशर नहीं देना, कोई दबाव नहीं देना अपने चेहरे पे, ये देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। देखा फ्रेंड्स इसे बनाने का तरीका, लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप जो है कुछ ही मिनटों में जो है बना के जो अपने चेहरे की जो है
टैनिंग है, काला दाग धब्बे है, वो कुछ ही मिनटों में क्या, कुछ दिनों में जो है आप लोग जो अच्छे से जो है इसको रिमूव कर सके। असर आपको जो एक से दो बार लगाने के बाद ही आपको जो इसका असर करना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इस तरीके से बस इसे क्या करना है, सर्कुलेशन मोशन में आपको जो है अच्छे से मसाज किया है करना होगा, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को शो किया। बस इस तरीके से जब भी आप अपने छुट्टी वाला दिन होता है या हॉलीडे होता है, या आप लोग जब भी रेस्ट करने वाले होते हैं या नाइट में, ज्यादातर स्पेशली क्या होता है ये नाइट में बहुत अच्छा वर्क करता है, हम अपना फेस अच्छे से वॉश करने के बाद इसे लगा लेंगे। लगाने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, हो सके तो मॉर्निंग में ही इसका अपना फेस को वॉश करिए, तो देखिए रिजल्ट आपके सामने होगा। बस आप इसे कुछ ही मिनटों के लिए जो है इसे लगा के रखिएगा, उसके बाद आप इसको अगर टिश्यू पेपर से या वाइप से इसको पोंछना चाहते हैं तो पोंछ दीजिएगा, उसके बाद देखिए रिजल्ट। तो इसको हफ्ते में 3 से 4 बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, वैसे तो आजकल विंटर स्टार्ट होने वाला है, तो अब क्या करेंगे आप उसको बना के जो बाहर भी रख सकते हैं, ये खराब होने की चीज नहीं है, आप इसे बना के तो रख दीजिएगा और ये आपके जो महीनों महीनों तक चलेगा। जैसे आप लोग क्रीम यूज करते हैं बस आप उससे जो है आपको छुटकारा मिल जाएगा, ना आपको कोई बॉडी लोशन लगाना पड़ेगा, ना कोई क्रीम यूज करनी पड़ेगी, ना आपको कोई सन जो है एसपीएफ कुछ भी यूज करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा रिजल्ट आपके सामने। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज की जो वीडियो है, रेमेडी है, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो क्या कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी आप लोगों के इतने प्यार के लिए। और हाँ, मैं जो है आई बटन पे भी अपनी काफी सारी वीडियोस दे दूंगी, वहां जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, साथ के साथ अगर आप लोगों को कुछ भी क्वायरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां आप लोगों को सारे आंसर दे दूंगी। और प्लीज इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, रिजल्ट आपको तभी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे जो है बिना देखिए आप लोग डिसलाइक और लाइक जो भी आप लोगों को जो बेटर लगता है वो कर सकते हैं, बट आप लोग उसे ट्राई करेंगे तभी आप लोगों को जो है बेटर रिजल्ट, क्योंकि मैं जनरल लोगों के लिए जो है बहुत ही अच्छा ये रेमेडी लेके आई, क्योंकि मैंने इसको खुद जो है अपने बच्चों के टाइम पे इसे ट्राई किया था, काफी ज्यादा डार्क स्पॉट्स हो गए थे, कोई पिंपल्स निकलता था, उसको दाग रह जाता था, तो मैंने जो है बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने बोला कि ये दवाई लगाओ, बोल उल्टा मुझे उसका रिएक्शन हो गया, एलर्जी हो गई। मैंने क्या किया फिर घर की रेमेडी से ही, जबकि बच्चे मेरे बड़े हो गए थे, मैंने 4 से 5 साल बाद भी इसको यूज किया, तब भी मेरे जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर बिल्कुल खत्म हो गए, पहले धीरे धीरे लाइट हुए, उसके बाद जो है बिल्कुल जो है हमारे बिल्कुल रिमूव हो गए। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे चेहरे पे कहीं पर भी कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, अगर कुछ ऐसा होता तो आप लोगों के सामने फेस पे दिखता। तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और अगर वीडियो और चाहते हैं कि मैं इसमें और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।